दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों यार वी का जो पोस्टपेड का दोस्तों बिल आ चुका है, तो सर आपने अब तक वी का पोस्टपेड का जो बिल वगैरह नहीं भरा, तो दोस्तों यार आप अभी आप जो बिल बिल्कुल मत भरना, क्योंकि आपको जो है एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहाँ पर आपको बिल का जो साइकिल वगैरह पड़ता है, और मतलब आपका जो ड्यूरेशन, मतलब जो आप जो बिल पेमेंट वगैरह करते हो उसमें दोस्तों आपको यहाँ पर जो और टाइम मिल सकता है, वो आप बोलो भाई कैसे मिल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको यार आपको जो वी कंपनी आपको सिर्फ 15 दिन तक का टाइम पीरियड देती है बिल पेमेंट करने का। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही लाजवाब टिप है, मतलब आज आप बिल भरोगे तो उसका बिल आपको अगले महीने पे करना पड़ेगा। मतलब एक आपको घुमा के दिखाऊंगा कि आप वी का पोस्टपेड का बिल आप कैसे पे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आज शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम ऋषि और आप देख रहे हैं क्रिटर ऋषि। दोस्तों वैसे था दोस्तों आप जो बिल वगैरह भरोगे उसमें आप वी के एप्लीकेशन को ओपन करके बिल वगैरह भरोगे, फिर आप फोनपे गूगल पे किसी भी एप्लीकेशन से यहाँ पर अपना बिल वगैरह भरोगे। लेकिन आप डायरेक्ट अपना इमीडिएट पेमेंट वगैरह कट करोगे, मतलब जैसे कि अगर मैं बिल भर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट अपना बैंक अकाउंट से वी का डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन वगैरह ओपन करके सिंपली जो मैं डायरेक्ट मतलब तुरंत तुरंत पेमेंट वगैरह कर दूंगा। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका दिखाऊंगा कैसे करना। देखिए आप ऐसा कर सकते हो, मतलब पेमेंट वगैरह करने के लिए आप वी का एप्लीकेशन ओपन वगैरह करोगे, आप पे पेल पे जैसे क्लिक वगैरह करोगे, यहाँ पर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर वगैरह ऊपर आ जाता है और जो भी आपका मंथली के हिसाब से बिल वगैरह रहेगा वो बिल वगैरह आ जाएगा। आपको सिंपली पैसे टू पे पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली तरीके से आप फोनपे गूगल पे पेटीएम या फिर किसी और यूपीआई ऐप से जो अपना बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हो। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी यहाँ पर आपको ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा पर्सनल जो बिल वगैरह पे करूँगा दोस्तों, मैं अभी इनसे बिल पे नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास पैसे है ही नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैं बिल अभी पे कर दूँ, लेकिन मैं जिस एप्लीकेशन से बिल पे करूँ दोस्तों उस ऐप का बिल मैं अगले महीने पे करूँ। आप बोलोगे भाई कैसे पॉसिबल, ऐसा तो ही नहीं सकता, मतलब हो सकता है क्रेडिट कार्ड से कर सकते ऐसे तो, लेकिन मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं। अब जिन लोग के पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है उन लोग के पास कैसे ये बिल जो है पेमेंट वगैरह करेंगे। तो दोस्तों ऐसे केस में तो बहुत सिंपल तरीका, देखिए अभी मेरे इस केस में दोस्तों मैं बिल पे अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं पूरा बैग वगैरह कर देता हूँ। आपको दोस्तों ऐसे केस में करना है क्या दोस्तों, फ्लिपकार्ट और अमेजोन में दोस्तों आपको मिलता है पे लेटर करके ऑप्शन। तो आप अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का जो एक्टिव है पे लेटर वगैरह, तो वहाँ से आप बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हो। अगर आपके पास अमेजोन का तो आप एकदम अमेजोन से भी कर सकते हो। तो मेरे पास देखिए दोनों है, लेकिन मैंने फ्लिपकार्ट पर जो मेरी ईएमआई वगैरह चले, तो मेरे पास जो है लिमिट वगैरह उसकी अवेलेबल नहीं है, तो मैं सिंपली दोस्तों यहाँ पर करूँगा अमेजोन से पे। अब मैं दिखाऊंगा आपको दोस्तों पे वगैरह कैसे करना। देखिए सिंपली मैंने अपना अमेजोन ओपन वगैरह कर लिया, आपको सिंपली यहाँ पर जो है पे वाले ऑप्शन पर जाना, अमेजोन वाले जो पे अमेजोन का पेज चलता है वहाँ पर आपको आ जाना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको जो अपना इसको ओपन वगैरह कर लेना है। दोस्तों पे लेटर जो इनेबल करना है बहुत ही सिंपल तरीका, आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के जो अपना पे लेटर एक्टिव वगैरह करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ लिमिट वगैरह मिल जाती है, मेरे पास शायद 2000 तक की लिमिट जो अमेजोन दे रहा है, मेरे पास 30000 तक की लिमिट जो फ्लिपकार्ट के पास है। तो फ्लिपकार्ट की जो मेरी लिमिट है वो ब्लू हो चुकी है, और जो मेरे पास अमेजोन की उसकी लिमिट अभी अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सिंपली दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रीपे जो अपना पोस्टपेड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सर्च वगैरह कर लेना है। यहाँ पर आपको पोस्टपेड ढूंढ लेना, मोबाइल से रिचार्ज आपको मिल जाता है, सिम और पर दोस्तों क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों आपको जो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास पे बिल्स करके का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का, गैस सिलेंडर और क्रेडिट कार्ड बिल, यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा मोबाइल पोस्टपेड करके ऑप्शन, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करो, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पोस्टपेड का जो नंबर है यहाँ पर आपको डाल देना है, आपका पोस्टपेड नंबर वी का है, एयरटेल का है, जियो का, किसी का भी पोस्टपेड का यहाँ पर आपको डाल देना। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे जो मैं अपना डाल देता हूँ मेरा पोस्टपेड का नंबर, अभी मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसको हाइड करके रखा, आपको जो है नंबर नहीं दिखेगा। तो दोस्तों मैंने मेरा पोस्टपेड का यहाँ पर नंबर वगैरह डाल दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑपरेटर सेलेक्ट करना, तो मेरे पास वी का है तो मैं सिंपली यहाँ पर वी का जो ऑपरेटर सेलेक्ट वगैरह कर लेता हूँ, वी पोस्टपेड है मेरे पास। और सिंपली दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे पास जो अमाउंट वगैरह आ रहा है मुझे, इसने कितना जो इसका अमाउंट जो मुझे पे वगैरह करना, तो अमाउंट अगर आपको नहीं पता तो आपको दोस्तों जो बिल वगैरह आता है मोबाइल में दोस्तों आपको सिंपली वाला बिल देख लेना, फिर आपको जो है वी ऐप ओपन करके यहाँ पर आपको अपना बिल देख लेना कि आपका जो है कितना बिल है। तो मैं भी दोस्तों अभी यहाँ पर फैच वगैरह कर लेता हूँ कि मेरे पास कितना है उसका बिल वगैरह है। तो मैं सिंपली डाल देता हूँ 479.12 डाल देता हूँ, मैं 479.12 डाल देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, सिंपली मेरे को सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक करूँगा, मेरा जो मैं पोस्ट पेड इसका जो अमेजोन का पे लेटर वाला ऑप्शन है दोस्तों, उससे भी इसका पेमेंट वगैरह कर सकता हूँ, उसका जो बिल वगैरह भर सकता हूँ। देखिए मेरे पास ऑप्शन वगैरह आ रहा है अमेजोन पे लेटर का। दोस्तों आपको अमेजोन पे लेटर का दोस्तों आपको जो बिल भरना है दोस्तों अगले महीने की 5 तारीख के पहले पहले आपको उसका बिल भरना है। मतलब कि आपको जो वी एप है वो 15 दिन देता है, उसके बाद में 15 दिन आपके पास और एक्स्ट्रा आपको अमेजोन दे रहा है। तो मतलब कि आपका जो पोस्टपेड का बिल दोस्तों आप 1 महीने बाद भर सकते हो, मतलब इस्तेमाल अभी कर लो, फरवरी में आप इस्तेमाल वगैरह कर लो, मार्च छोड़ के अप्रैल में आप उसका बिल वगैरह पे कर सकते हो। मतलब फरवरी का बिल अपना मार्च में आएगा और मार्च में 15 दिन आपको जो वी एप ले देगा, और वी एप के बाद में आपको 15 दिन आपका अमेजोन देगा, या फिर आपको जो क्रेडिट कार्ड वगैरह अपने डेबिट कार्ड कुछ भी जो है आपका उससे 15 दिन वो दे देगा। और उसके बाद में अगर आप बिल वगैरह भरोगे तो मतलब आपको पूरा 1 महीने का यहाँ पर टाइम पीरियड वगैरह मिल जाता है। देखिए आपको सिंपली मेरे पास अभी लिमिट वगैरह है और मेरा जो बिल है 479.12 का, तो मैं सिंपली पे पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अमेजोन पे लेटर सेलेक्ट वगैरह कर लिया था, मेरे पास यहाँ पर 2000 तक की लिमिट है, मैं सिंपली पे पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरा बिल वगैरह रहेगा डायरेक्ट पेमेंट वगैरह हो जाएगा सक्सेसफुली, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर 30 से 1 घंटे के अंदर अंदर आपका जो पेमेंट वगैरह रहेगा अपडेट वगैरह हो जाएगा। आज के फिर इतना ही करता हूँ दोस्तों, आपको अच्छा लगे दोस्तों चैनल बनाना चाहिए उसका जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले दिन मात्र।
Yeah.